चेंज इज ऑलवेज अ गुड थिंग। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम एडी। सो आज की वीडियो में मैं आपके सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लूंगा, सिर्फ 5 मिनट। और इन 5 मिनट में आपसे मैं ऐसी चीज कहूंगा कि आप मे बी इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, लेकिन हियर मी आउट, अलाउ मी टू एक्सप्लेन यू कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक्चुअली यूट्यूब पे जब से मैंने वीडियोस डालना शुरू किए, लाइक ऑलमोस्ट 3-3.5 साल हो गए हैं। इट्स ऑल अबाउट द ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवलिंग वगैरह कर रहा था, लेकिन अब मैंने ये डिसाइड किया। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं सेकंड चैनल बनाऊँ, उसमें मैं व्लॉगिंग वगैरह कंटेंट भी पोस्ट करूँ, लेकिन मैंने आफ्टर अ लॉन्ग थॉट, आफ्टर अ लॉन्ग यू नो रातें सोच सोच के मैंने ये सोचा है कि इस चैनल पे मैं अब लाइफस्टाइल व्लॉगिंग भी डालूंगा। लाइक मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, आप लोगों को कुछ लोगों को अच्छा भी लगा और कुछ लोगों को मीडियोकर मुझे रिस्पांस आया। तो अब इस चैनल पे थोड़े लाइफस्टाइल व्लॉग्स भी आएंगे, अपनी फैमिली व्लॉग्स भी आएंगे, जो भी मैं करता हूँ आई विल डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग और मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। बिकॉज आपने देखा ना, कोविड के टाइम में हम लोग ट्रैवल नहीं कर पाए, तो ट्रैवल नहीं कर पाए उससे बहुत सारा लॉस हुआ ट्रैवल इंडस्ट्री को, मुझे भी बहुत सारा लॉस हुआ। एंड ओवर दी पास्ट लाइक 6 or 7 months इस चैनल पे यू नो मैं आपको कैसे समझाऊं, यूट्यूब जो है ना एक नंबर्स गेम है। हर एक क्रिएटर ये चाहता है कि उसका नंबर बढ़े। नो डाउट इस चैनल का नंबर अच्छा है, लाइक 81.2K सब्सक्राइबर्स है राइट नाउ, विच इज़ वेरी गुड थिंग। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से, लेकिन ओवर द पास्ट 6 or 7 months जो व्यूज़ का काउंट है वो बहुत कम हो गया है। तो मैंने अब ये फाइनलाइज किया है कि मैं इस चैनल पे हर वो कंटेंट डालूंगा जो मैं एक्चुअली में फील करता हूँ कि मुझे वो पोस्ट करना चाहिए, आप लोगों से शेयर करना चाहिए। बिकॉज मैं और आप लोग अभी तो वर्चुअली कनेक्टेड है ना इंटरनेट के थ्रू, तो वर्चुअली कनेक्शन को और स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब इस चैनल पे लाइफस्टाइल व्लॉग्स भी आएंगे, ट्रैवल तो मैं करता ही रहूँगा, ट्रैवल व्लॉग्स ऐसा नहीं कि ट्रैवल व्लॉग्स नहीं आएंगे। मैंने पोलिंग भी यूट्यूब की कम्युनिटी ऐप पर कराई थी, इंस्टाग्राम पर भी मैंने पोलिंग करवाई थी, सब लोगों ने कहा कि मैडी भाई, मेरा मिक्स रिस्पॉन्स था, ट्रैवल व्लॉग्स भी आने चाहिए, लाइफस्टाइल व्लॉग्स भी आने चाहिए। तो अगर आप लाइफस्टाइल व्लॉग्स या फिर यू नो डेली व्लॉगिंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप इस चैनल पे रह सकते हो, और अगर आपको ये चैनल नहीं अच्छा लग रहा यू नो किसी रीज़न से तो मे बी शायद आप अनसब्सक्राइब कर लो, लेकिन थोड़ा और सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने कहा, यूट्यूब एक नंबर गेम है, व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है, और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या रीज़न हो सकता है। अगर हम नंबर्स गेम की बात करें तो जितने सब्सक्राइबर हैं उसका अगर हम 10% भी निकालते हैं, यूट्यूब के एल्गोरिथम ये कहते हैं कि अगर आपका चैनल के जितने सब्सक्राइबर हैं उसका 10% आपके नॉर्मल वीडियोज़ पर व्यूज़ होने चाहिए। मतलब 81 है तो 8.1K व्यूज़ हर वीडियो पर होने चाहिए, लाइक 8,000 से 12,000 के बीच में अगर आपके वीडियो पर व्यूज़ आ रहे हैं जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं तो इट्स वेल एंड गुड। और एक और चीज़ जैसे मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जैसे मैं अभी आईटी जॉब कर रहा हूँ, तो मैंने हमेशा से ये सोचा कि मैं अपने पैशन को एक प्रोफेशन यू नो उस पैशन को एक प्रोफेशन बनाऊँ। तो अगर मुझे उस पैशन को प्रोफेशन बनाना है तो मतलब मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए डेफिनेटली। अब जितने लोग हैं इस चैनल पे, अगर वो सब लोग सब्सक्राइब कर रखा है और वो नहीं देख रहे हैं, या फिर मे बी बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, कहीं बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आता, और पता नहीं मुझे तो कमेंट्स भी ये मुझे डीएम्स भी आते हैं, मैडी भाई 2 साल बाद आपकी वीडियो देख रहे हैं, अब कहाँ पे गलती है मुझे नहीं पता, सीरियसली आप मुझे बताओ। मैंने यूट्यूब से भी बात की, यूट्यूब कहता है कि सब ठीक है, अब ये आपके ऊपर है। इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, सो दैट मे बी शायद आप ये चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो अगर मैं यू नो डिफरेंट कॉन्टेंट पर जा रहा हूँ। अगर मैं अलग एक चैनल बनाऊँ तो मुझे कुछ फ्रूटफुल नहीं लग रहा, तो मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पर वो सब भी कॉन्टेंट मैं पोस्ट करूँ, मे बी हमारा जो वर्चुअल कनेक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके, और देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अब अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही, मैं चाहता हूँ कि जो मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ, जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, वो आप लोगों तक एटलीस्ट पहुँचे तो सही। उस पर मुझे पैसा आए पैसा नहीं आए वो मुझे कोई मतलब नहीं है, एटलीस्ट पहले आप लोगों को बस पहुँचे, अभी पहुँचाना एक मेन टारगेट है। अगर पहुँच ही नहीं रही हैं तो इट मेरा दुख होता है, बिकॉज एक नॉर्मल इंसान की एक नेचर होता है कि अगर वो चीज़ मेहनत कर रहा है तो वो चीज़ अपने ऑडियंस को पहुँचे तो सही। अब लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं लेकिन वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आ रहे, बिकॉज मे बी उनको नहीं पहुँच रही, या फिर क्या रीज़न हो सकता है वो मैं आप लोगों से ही खुद जानना चाहता हूँ। और अगर मुझे YouTube से लिविंग करनी है आगे जाके, तो मुझे इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आप लोगों को एक्चुअली में क्या चीज़ पसंद आ रही है और क्या चीज़ नहीं पसंद आ रही। अब यही एक मीडियम है वीडियो बनाने के, मैंने सोचा कि शायद आप लोग मुझे बता सकते हो, या फिर आप लोग में भी शायद अनसब्सक्राइब ना कर दो इस चैनल को, पता नहीं यार ये लाइफस्टाइल व्लॉग क्यों डालेगा, या फिर मैं जो भी करता हूँ मैं सोच रहा हूँ मैं डालूँ, क्योंकि एक मिडिल क्लास बंदा
कैसे चीज़ें करता है अपनी लाइफ में, यू नो, जॉब भी मैनेज करना और ये सब भी करना और दूसरी चीज़ें भी हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, मैं करूँगा आप लोगों से। तो मुझे बताओ कि आइडिया कैसा लग रहा है आपको, एक थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा इस चैनल पे और बहुत सारी चीज़ें और भी आने की उम्मीद है। सो गाइस, थैंक यू सो मच आज के लिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। 5 मिनट मैंने आपसे शायद 5.5-6 मिनट ले लिए, बट सॉरी फॉर दैट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो देख लेना अगर आपको इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगने वाला है, लाइफस्टाइल एंड ऑल दीज थिंग्स, फिटनेस भी इसमें मैं इंक्लूड करूँगा, वो आप देख लेना एक बार। अगर आपको वीडियोज़ नहीं पसंद आए तो भी मुझे बता देना, आई एम ऑलवेज रेडी टू टेक योर सजेशंस, ऑलवेज रेडी टू टेक योर सजेशन। कुछ भी बोलो, चाहे भाई को गाली भी दे दो, कोई चक्कर नहीं, आप बताओ, ज़रा बताना ज़रूरी है, मुझे जानना ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही, शायद मैंने आपके 5-6 मिनट ले लिए, रियली सॉरी फॉर दैट। थैंक्स फॉर हियरिंग मी आउट, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। अभी चलता हूँ और नेक्स्ट व्लॉग की एडिटिंग करते हैं। बाय बाय।